नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। विद्यालय के प्रधानाध्यापक कुलदीप विमल की मेहनत रंग लाई। आपको बता दें कि जनपद उन्नाव के फतेहपुर चौरासी ब्लॉक काजीपुर कच्छ स्थित परिषदीय कंपोजिट विद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में 75वें वार्षिकोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया गया। आजादी महोत्सव के कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर प्रशासन के आदेश अनुसार विद्यालय भवन में तिरंगा लाइट से भवन को सजाया भी गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे ब्लॉक प्रमुख मनोज निषाद एवं क्षेत्रीय खंड शिक्षा अधिकारी मनिंद्र कुमार ने सर्वप्रथम माँ वीरा वादिनी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद बच्चों द्वारा रंगारंग देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों द्वारा देशभक्ति पर किए जा रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत कर रहे थे। खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय एवं बच्चों के प्रति समर्पण और लगाव की बहुत प्रशंसा की। विद्यालय में सबसे अधिक उपस्थिति एवं पढ़ने में सबसे तेज छात्रा प्राची देवी पुत्री विनोद को इंचार्ज शिक्षक द्वारा अपने संसाधनों से खरीदी गई साइकिल को खंड शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख के हाथों से प्रोत्साहन स्वरूप भेंट की गई। वहीं पीएसपीएसए के प्रांतीय उपाध्यक्ष संजीव संखवार ने छात्रा प्राची के सिर पर पगड़ी रखने के साथ नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं छात्रों में सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्र को ग्राम प्रधान विजयपाल यादव ने भी साइकिल देने का वायदा किया। कार्यक्रम के दौरान प्रांतीय उपाध्यक्ष ने सभी अभिभावकों से कहा कि जब आप सभी लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, तो फिर आप सभी अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालय में पढ़ाते क्यों नहीं। उन्होंने बच्चों के प्रति अभिभावकों को ध्यान देने के लिए कहा। खंड शिक्षा अधिकारी मनिंद्र कुमार, पीएसपीएसए के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुधीर कुमार, राजेश कुमार, जयदीप शुक्ला आदि आए गणमान्य लोगों द्वारा बच्चों के प्रस्तुतिकरण पर नगद पुरस्कार दिया गया। विद्यालय के प्रधान शिक्षक कुलदीप विमल की प्रशंसा खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान तथा उपस्थित सभी अभिभावकों ने की और शिक्षण कार्य एवं कार्यों की सराहना भी की। ब्लॉक प्रमुख मनोज निषाद ने सभी को भरोसा दिलाते हुए जल्द ही विद्यालय में टॉयलीकरण कराने की बात कही, जिस पर क्षेत्रीय लोगों में विद्यालय को और गति देने के लिए ब्लॉक प्रमुख का धन्यवाद ज्ञापित किया। इंचार्ज शिक्षक ने आरपीएस प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री, पत्रकार ललित कुमार, पत्रकार सुशील यादव आदि पत्रकारों एवं आए सभी अतिथियों को फल तथा सीनरी सप्रेम भेंट की। आरपीएस प्रधान संपादक ने कहा कि इस विद्यालय के प्रधान शिक्षक कुलदीप विमल, सरोज यादव, तेज नारायण, खजान सिंह, श्रीमती सुरैया, राहुल तिवारी, अनिल कुमार के कार्यों से अन्य विद्यालय के शिक्षकों को सीख लेनी चाहिए और इसी तरह से अपने विद्यालय को बनाने, जिससे सरकारी विद्यालय में अभिभावक अपने बच्चों को भेजने से कतराए नहीं। विद्यालय में पौधारोपण का भी काम किया। संवाददाता ललित कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।